अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। By making this video, our aim is not to disrespect any particular player or particular franchise. This video is only for entertainment purpose. ऐसा बोलना पड़ता है वरना हर बार जैसे हमें गालियां पड़ेंगी। Naughty America. Nobody, nobody, nobody does it better. ये मैं कर लेता हूँ, अब तो ड्रीम इलेवन पे टीम मिलाओ। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ। अब जाके आया मेरे बेचैने दिल को ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे जाके टीम बनाइए। मेहरा जी बिग फैन, बिग फैन, लेंथ वॉल लेंथ सब सा सारी वॉल लेंथ, यू स्टार का इधर 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 दो मिनट के लिए इधर लेंथ वॉल डन। आज के बाद लेंथ वॉल के स्पिन में नहीं ना, इस चूतिया को लेंथ वॉल ही चाहिए। भोसड़ी के अगर तुमने आज के बाद लेंथ वॉल किया ना, नहीं लेंथ ही सब लेंथ डालेंगे, मैं भी लेंथ डालूंगा, तुम भी सब लेंथ, इसको लेंथ ही चाहिए, आराम करो। आज के बाद तुमने लेंथ लेंथ किया ना तोड़ ये फेंक के मारूंगा तेरे को। युजवेंद्र चहल को बहुत रन पड़े सर, क्या कहना है आपका? देखिए हर चीज तो चलती रहती है, अब मैंने कहा था चहल को कि लेंथ बॉल डाले, लेकिन मैं तो चूतिया हूँ, मेरी कोई सुनता तो है नहीं। मैंने उसे कहा, कितनी बार कहा कि आगे बॉल करे, आगे बॉल करे, लेकिन बात फिर वहीं आ गई कि मैं तो चूतिया हूँ, मेरी कोई सुनता थोड़ी है टीम में, मैं यूं ही बस भौंकता रहता हूँ सालों पे, कैचेस छोड़ रहे हैं ये लोग साले, मेरी कोई सुनता, लेकिन मैं तो चूतिया हूँ, मेरी कोई सुनता थोड़ी है। सर विराट ने इस मैच में रन नहीं मारे, क्या कहना है आपका? देखिए ऐसे तो मैं बॉलिंग कोच हूँ, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि मैं चूतिया हूँ। मैंने विराट को बोला था लैंड शॉट मारे, लेकिन उसे समझ आती नहीं है, लेकिन बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है कि मैं चूतिया हूँ और मेरे से बड़ा वाला कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बॉलिंग कोच हूँ तो आप मेरे से ये सब सवाल नहीं कर सकते, तो प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपके हिसाब से विराट को कैप्टनशिप में क्या चेंजेस करने चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो मैं जितना जानता हूँ बॉलिंग तो लेंथ होनी चाहिए, साथ साथ में बैटिंग भी लेंथ होनी चाहिए, फील्डिंग भी लेंथ होनी चाहिए, कीपिंग भी लेंथ होनी चाहिए, कोचिंग भी लेंथ होनी चाहिए, कोई ड्रिंक्स लेके आए वो भी लेंथ होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी लेंथ होना चाहिए, सब लेंथ होना चाहिए, वरना आप ऐसे मैच नहीं जीत सकते, आपको सब कुछ लेंथ चाहिए ही चाहिए, लेकिन बात फिर से घूम फिर के वहीं आ जाती है कि मैं चूतिया हूँ और मेरी बात कोई टीम में सुनता नहीं है। यार आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो यार, ये सब मेरे से नहीं पूछा करो यार प्लीज़। सर ऐसे कौन से बॉलर्स हैं आपके हिसाब से जिन्हें इंडिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से जो दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर हैं, जिसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं एकदम, वो है अशोक डिंडा। देखिए उनके एकेडमी में शामिल होने के लिए आपको कम से कम 15 या 20 रन एक ओवर में देने ही पड़ते हैं। देखिए इस उपाधि के लिए कितने लोग झगड़ रहे हैं, आप देखिए इधर उधर सब लड़ाई चल रही है, लेकिन ये मुकाम हासिल कौन कर पाया? उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, एक उदाहरण आपके सामने बैठा है, मैं खुद, लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि मैं चूतिया हूँ, मेरे से बड़ा कोई है नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आखिर में क्या सर आपको लगता है 2020 में आरसीबी आईपीएल जीत पाएगी? देखिए अगर कप लेंथ हुआ तो पक्का हम जीतेंगे, कप भी लेंथ ही होना चाहिए। देखिए लेकिन बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है कि मैं चूतिया हूँ और मुझसे बड़ा वाला कोई है नहीं। डिंडा अकेडमी हमने गांड मरवाने के लिए तो खोली नहीं है, है ना, कुछ उसका है ना, तभी तो हमने खोल के रखी डिंडा अकेडमी। कोहली को मैं बोल के थक गया कि लैंड शॉट मारे, साला हर मैच में 100 मार के निकल जाता है, 5-6 रन पे आउट हो तो उसकी जगह बने ना अकेडमी में, ये समझ नहीं रहे टीम वाले, तो बहुत मुश्किल है जीतना तो, लेकिन फिर भी मेरी फीलिंग्स इन लोगों ने बहुत हर्ट की है, पता नहीं देखते हैं जीतते हैं कि नहीं, बाकी फिर बात तो वहीं आ जाती है घूम फिर के कि मैं चूतिया हूँ, मुझसे बड़ा वाला कोई है नहीं। भाई कौन सी टीम का फैन है? पंजाब। मतलब केएल राहुल? नाना। मयंक अग्रवाल?
क्रिस गेल ना, मोहम्मद शमी बिल्कुल नहीं, तो कौन? तेरी परवाह करूं मैं, इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं 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 क्या करूं।